मेरे मित्र इंद्रदेव का सिंहासन हिलाना चाहते हैं, सिंहासन हिलाना चाहते हैं, लेकिन कामदेव ऐसा नहीं होने देगा। अभी मैं अपनी अप्सराओं को बुलाकर इनकी तपस्या को अभी भंग करता हूं। हे रंभा उपस्थित हो, कहिए महाराज। हे उर्वशी उपस्थित हो, हे मेनका उपस्थित हो, हे रंभा आदि अप्सरा परियन की सरताज सुर और तान लगाई के गाओ बसंत बहार। अच्छी बात है, आप तीनों मिलकर नारद जी की तपस्या को भंग करो। जैसे आपकी आज्ञा। क्या बता, अब आप एक एक करके नारद की तपस्या को भंग करो। रंभा आओ। कहिए महाराज। नारद की तपस्या को भंग करके दिखाओ। वो फूल गेंदा बन जाऊंगी बाबा तेरे को। नारद की तपस्या को भंग करके दिखाओ। अच्छा, अब मेरे पास तो कुछ नहीं बचा, लेकिन ये एक मैं उपाय सोच कर आई हूं, हो सकता है उसे भी जाग जाए। ए बाबा, देख लो कत्ता बढ़िया बढ़िया नेबुआ लेकर आए हैं बहनी और चटनी लेकर आए हैं। ए बाबा, बाबा पहले एक बार खोल कर देखो, तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाएगी। ए बाबा, हो बाबा मेरे बाबा, बाबा तेरे ऐसे में कुछ भी नहीं कर दूंगी।
आओ और नारद की तपस्या भंग करके दिखाओ। उर्वशी आओ। हेलो ओ दिल्ली में मुझे इंद्र के प्रिय दास कालादेव को बुलाना चाहिए। लगता है वही नारद की तपस्या को भंग कर दे। कालादेव उपस्थित हो। रति कालादेव सब अप्सराएं तो विफल हो गई। अब सिर्फ आप ही एक इंद्र के प्रिय बचे हैं जो नारद की तपस्या को भंग कर सकते हैं। महाराज बताओ इनका कौन है मेरे जगाई, जैसे इनका गोहराय जगाई कि इनका हम कोनो और दोसर तरकीब सोची कौन तरकीब से जगाई। कालादेव जो आपके मन में लगे उसी से नारद जी की तपस्या को भंग करो। तो महाराज बाबा दाल भात नहीं खाते बाबा सुख खाते हैं। साधु महात्मा सब कोई खाए पूरी कचौरी व्यंजन बनाए के और बाबा खाए सुखी भौरी भगवा लगाए के। हे ना करो बाबा दाल भात खाए वाले ना हो बाबा सुख खाए वाले हो बाबा का पे हम जगेबे। हमार मन कहते हम नकली निहारू बन जाई तब तो बाबा जगे हैं।
आप पकड़े से चलो कोई बात नहीं, अब हम अपन नकली वाला भेष बनाई। लेकिन एक बात है, हमारे चौतरफ बाबे नहीं है, अब का करी। अब बाबा महाराज आप बैठा जाए, 2 मिनट लागे इनका, अब हम इनके तपस्या भंग के हती थे, आप घबराओ ना। ठीक है काला देव। अरे धई देव बाबा जी कंठी माला, अरे धई देव बाबा जी कंठी माला, जवन देखो बचपन के पाला, धई देव बाबा जी कंठी, नकली तो कही थे। अरे बचपन से पाला बाबा, बचपन से पाला, बचपन से पाला बाबा, बचपन से पाला, थई तो बाबा जी कंठी माला, जो बना देखो बचपन। काला देव ये आपसे नहीं होगा, जाओ अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। महाराज तो अब आर्डर है नहीं, कोई तपस्या भंग करे मा, ये आर्डर महाराज के ही नहीं है कि जान से मार ने यही उपाय रहेगा रहा इनका। अब भैया देखो प्रधान जी ईटा चार थोड़े धई गए हैं, एक ईटा खोपड़ी मार दे तब पे बेहोश हो जाते हैं। महाराज ठीक है, आपके आदेश अनुसार हम जाए थे। जाइए। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मैं अपने बाणों से इनकी तपस्या को अभी भंग करता हूं। सर्वप्रथम मैं अपने शीतल बाण का प्रयोग करता हूं। ये क्या, ये बाण तो मेरा विफल गया। कोई बात नहीं, अभी मेरा शीतल बाण तो वेस्ट चला गया, अब मुझे कुसुम बाण का प्रयोग करना चाहिए। ये क्या, मेरा ये भी बाण विफल गया। कोई चिंता की बात नहीं, अब मेरा सिर्फ एक ही बाण और अंतिम बाण, सबसे महत्वपूर्ण बाण, मेरा काम बाण, इससे नार की तपस्या अवश्य भंग होगी। तो मेरे सारे प्रयास विफल जा रहे हैं। लगता है मुझे मुनिराज की चरणों में आ जाना चाहिए और उनसे क्षमा याचना करना चाहिए। त्राहिमान मुनिराज, त्राहिमान। काम कला कछु नहीं न व्यापी, निज भय डरव मनोभव पापी, सहित सहाय सभी तयति, मानिहार मन में गहसि जाय मुनि चरण, तब कह
कहे सुठियारत वे तो भयउ न नारद मन कछु रोसा कही प्रिय बचन काम परितोषा। कौन मेरी तपस्या को भंग करने का दुस्साहस क्या तुम्ही ने किया है? मुनिराज, मुझे तो सिर्फ इंद्र ने आपकी तपस्या को भंग करने के लिए कहा था, क्योंकि उनको लगता है कि आपकी तपस्या से उनका इंद्र का सिंहासन आप उनसे छीनना चाहते हैं। इसलिए उन्हीं की आज्ञा से मैं आपकी तपस्या को भंग करने आया था मुनिराज। इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं विफल हो गया मुनिराज। क्या कहा तेरा? इंद्र के कथन अनुसार तुम मेरी तपस्या भंग करने के लिए आए? हे कामदेव, आज यह तुम्हारी प्रथम गलती है जिसे मैं माफ कर रहा हूं, लेकिन अब दोबारा किसी भी ऋषि मुनि की तपस्या भंग करने की कोशिश मत करना। लेकिन ये बताओ, यहां का पता किसने बताया? मुनिराज, यहां का पता तो मुझे कालादेव से पता चली। कालादेव ने? ठीक है, कहो हम तुम्हें तो क्षमा कर रहे हैं, लेकिन उस कालादेव को कदापि नहीं क्षमा कर सकते। ठहरो कालादेव। तुमने मेरा पता बता दिया, तुम इसी तरह से ऋषियों मुनियों को परेशान करते हो। महाराज, कब हमारे पखना हाथ? तो क्या मेरा पता बता करके मेरी तपस्या भंग करवाना चाहते थे? मतलब ठीक है, तुम्हारी भी गलती नहीं है। जाओ, हम सभी लोगों को आज इस हरकत पर माफ करते हैं, लेकिन दोबारा किसी को परेशान करने की कोशिश न करें। मुनिराज, किया अपराध जो मैंने, ये उसका ही फल पाया है। क्षमा करे ए मुनिनाथ, ये शीश चरणों में झुकाया। लेकिन आज क्षमा का मतलब ये नहीं है कि फिर तुम दोबारा किसी पर अपना पुष्पक बाण चलाओ, अन्यथा इसका परिणाम बहुत उल्टा हो जाएगा। जी मुनिराज, जा सकते हो।